वेल हेलो एवरीबॉडी, आज हम मॉडल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज इसका डे 6 है और देखेंगे कि मॉडल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो जो भी लोग लाइव आते जा रहे हैं फटाफट मैसेज कर दीजिए, आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही एक बार मुझे ये बता दीजिए, और एक बार प्लीज़ ये जो हमारा क्लास है इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आप जहाँ जहाँ जुड़े हैं, जिस जिस ग्रुप से जुड़े हैं, उन सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ जाएँ। ठीक है, फटाफट आ जाइए लाइव सभी लोग। क्लास इज स्टार्टिंग, शुरू ही हो रही है हमारी क्लास। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे ऐसा थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हुई, थोड़ा सा उसको ठीक कर लूँ। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जो भी लोग लाइव आते जा रहे हैं फटाफट मेरी आवाज आप सब चैप्टर वाइज वीडियोस, हाँ आप पूरे देख लीजिए, सारे लाइन से डले हुए हैं। सभी जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं वो सारे चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल्स के क्वेश्चन। Let's start the class. Chapter wise चल तो रहे हैं, सारे chapter wise चल रहे हैं। ऑफलाइन शुरू हो चुकी है सुबह 8 से 9, अभी एक ही क्लास चल रही है। मॉर्निंग 8 to 9 आप आ सकते हैं, 8 to 9, 9:15, 9:20 तक क्लास रहती है। तो आप अभी एक क्लास में बिल्कुल आ सकते हैं, सुबह 8 से 9 में अभी ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, तो एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आ गए हैं, डैश आई गो आउट सर, डैश आई गो आउट सर, ओके, तो मैं उसको एक बार उसको देख लूंगा, सेग्रीगेट कर दूंगा। ऑप्शंस आर गुड इवनिंग रिंकी जी, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा मैं कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं एक सेकेंड मैं उसको थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दूं। आप आंसर दीजिए, उतनी देर में हो जाएगा। ठीक है, देखें आंसर क्या आएगा। वैसे तो सभी के आंसर सही ही आ रहे हैं, गलत किसी के भी आंसर नहीं आ रहे हैं। मैं आंसर देख रहा हूं, डोंट वरी, आंसर देखते देखते इंप्रूव कर रहा हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
ये थोड़ा सा और हिला हुआ है, ठीक है, अब काफी हद तक ठीक है सेटिंग। हाँ तो आंसर आ गए सभी के, सभी के आंसर मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आंसर इज मे, आप सभी लोगों ने मे लगाया है। मे आई गो आउट सर, सर से उसने पूछा है, ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर मे ही होगा, इसका आंसर कैन नहीं होना चाहिए। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुज। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सी, तो सभी ने सी लगाया है या सभी ने मे लगाया है, बिल्कुल सही, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। चलिए और आगे चलते हैं। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया था क्या, सभी के पास जितने भी लोग हैं, क्या सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचा? बताइए, ओके कुछ लोग कह रहे हैं शुड, कुछ लोग कह रहे हैं ओट टू, देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं, शुड सही या ओट टू सही। ए बी सी डी में लिख दूं, ए बी सी डी। अनिकेत का आंसर समझ में नहीं आया, अनिकेत ए भी लिखा है, डी भी लिखा है, बी भी लिखा है, ए डी बी क्या कहना चाह रहे हैं अनिकेत, क्लियर नहीं हुआ। गुड इवनिंग अनुराग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका माइडस एकेडमी में। अनिकेत का आंसर क्लियर नहीं है अनिकेत, कुछ लोगों ने कहा है सी, पंकज ने कहा सी, आयुषी कह रही है ओ टू, पंकज ने कहा सी, पंकज ने कहा ओ टू, पंकज ने बी भी बोल दिया और ओ टू। अच्छा ए डी यानी अनिकेत दांगी का ए और डी फॉर दांगी, ओके अनिकेत अब मुझे बात समझ में आ गई, ए डी तो आपने नाम के लिए लिखा है, आंसर आपका बी है, मैं सोच रहा था ए भी है डी भी है बी भी है, एक सी बच गया था। ओके गुड इवनिंग अर्चना, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो आगे हैं हम अपने आंसर पे, तो आंसर क्या है इसका, इसका सही आंसर है ओ टू, इसका सही आंसर है ओ टू, इसका सही आंसर है ओ टू। कुछ लोगों ने शुड लगाया है, कुछ लोगों ने मस्ट भी लगाया है, पर इसका सही आंसर ओ टू ही है। गुड इवनिंग मुस्कान, देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, शुड ओट टू और मस्ट मैंने तीनों सेंटेंस में मतलब तीनों ऑप्शन जानबूझ कर ही दिए थे, अब इसमें डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। भाई बच्चों को अपने पेरेंट्स का जो ओबे है उनकी बातों को पालन करना चाहिए,
ये जब हमारे पास तीन सेंटेंसेस शुड और टू और मस्ट तीनों एक ही चीज को दिखाने के लिए है, केवल थोड़ा प्रेशर की बात अलग हो जाती है। शुड में प्रेशर सबसे कम है उस वाक्य में, और टू में उसी वाक्य का प्रेशर थोड़ा बढ़ाया गया है, और मस्ट में उसी वाक्य को सबसे ज्यादा हाई प्रेशराइज करके बोला गया है। इतनी डिफरेंस है, आप शुड और टू मस्ट को समझ लीजिए। शुड मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, और टू तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। यार सोचो मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं, और मस्ट अगर तुम पढ़ोगे तो तुम फेल ही हो जाओगे, इसे तुमको तो पढ़ ही लेना चाहिए। सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस एक ही है, लेकिन बोलने बोलने के तरीके में और उसके प्रेशर में फर्क हो जाता है, हमने कितने डिग्री के हिसाब से उस सेंटेंस को प्रेशराइज किया। तो अब क्या है भाई, बच्चों को तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या हम बहुत साधारण तरीके से बोल रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं कि बच्चों को अपने माँ बाप को ओबे करना चाहिए, ये क्या ये एडवाइस है? एडवाइस की जरूरत नहीं है, ये तो करना ही चाहिए। अच्छा मस्ट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को किसी की बात को ओबे करने के लिए। क्योंकि अगर मान लेते हर बच्चा अपने माँ बाप की बात रिस्पेक्ट करे, ओबे करे, तो फिर दुनिया में इतने सारे वृद्धाश्रम कैसे खुल गए? फिर तो वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन वृद्धाश्रम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस जो रिलेशनशिप है इसमें कहीं ना कहीं तो ब्रेक, कहीं ना कहीं तो दरार फ्लॉ है, इसीलिए तो मस्ट आ गया। इसलिए तो मस्ट हम नहीं बोल सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते ना आप, मजबूर नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल साधारण भी नहीं है कि आप अपने माँ बाप की बात मानो, आपको आपके माँ बाप हैं, आपको बात माननी चाहिए। मैं मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन इतने साधारण तरीके से बोल भी नहीं सकता। अगर मैं शुड लगाऊंगा तो ये वाक्य बहुत ही ज्यादा साधारण एक एडवाइस बन रही है, और मस्ट में मजबूरी बन रही है। इन दोनों के बीच में ओट टू एक ऐसा सेंटेंस है जो थोड़ा प्रेशराइज भी करता है और मजबूरी भी नहीं बनाता, और थोड़ा, क्योंकि भाई अपने माँ बाप को अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो किसे करेंगे, तो एक नैतिकता की भी बात आ रही है। इसमें एडवाइस तो आ ही गया, प्लस इसमें नैतिकता भी आ गई, इसमें मॉरल भी आ गया, कहीं ना कहीं एक मॉरल ड्यूटी के भी की भी फीलिंग आ गई है। इसमें थोड़ा प्रेशर भी हमने क्रिएट करा है कि भैया आपको आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट। तो जब हम इतने सारी चीजों को एक साथ ब्लेंड मिक्स कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो अच्छा आंसर है वो ओट टू है। शुड बहुत ही साधारण एडवाइस के रूप में देखा गया, दैट इज अ रीजन, गॉट द पॉइंट। तो चिल्ड्रन ओट टू, यहाँ पे शुड, अगर हाँ ये बात होती कि ऑप्शन में ओट टू नहीं होता तो शुड लगा लेते, ऑप्शन में शुड नहीं होता तो ओट टू लगा लेते। मैंने तो जानबूझ के तीन ऑप्शन दिए ताकि आपका जो सोचने का नजरिया वो उस तरह से समझे उस बात को। शुड ओट टू और मस्ट में सही आंसर है ओट टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक सभी को मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर था बी। हाँ कस्टम मॉरल ड्यूटी के लिए तो हमारे पास शुड है ही ना, मैं से भी पता चलेगा। मॉरल ड्यूटी तो बहुत सारी चीजों में पता चल जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The patient dash take medicine in time. The patient dash take medicine in time. बताइए लेट्स सी क्या आंसर आएगा। शुड एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, मुस्कान का आंसर आया नाइन्थ नंबर पे।
अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के आंसर मेरे पास नहीं है, वो भी आंसर दे दें फटाफट। ओके, 10, 11 लोगों के आंसर प्राप्त हुए। फटाफट आंसर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में इतनी देर नहीं लगानी मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर कब आएंगे सभी के, इतनी देर क्यों, फटाफट आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए ज्यादा देर वैसे भी नहीं लगनी चाहिए, सेकंड्स का आंसर है ये। चलिए मैं बता देता हूँ कि पेशेंट को हम मजबूर तो कर नहीं सकते कि नहीं उसके दिन भर पीछे घूमते रहो, दवाई खा लो दवाई खा लो दवाई खा लो, ऐसा तो है नहीं पूरे टाइम घूमते रहो उसके पीछे भाई, उसके उसको खुद समझना चाहिए कि यहाँ पे मजबूरी नहीं बना सकते। कैन उसकी यहाँ पे कोई हम पावर फिजिकल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं, नीड की बात भी नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली बात है इस क्वेश्चन का आंसर होगा शुड, और शुड से अच्छा आंसर आपके पास क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए यानी शुड। तो जितने भी लोगों ने शुड लगाया एक नंबर मेरी तरफ से ले लीजिए। चलिए बताइए, ओके आंसर मिल गया, हरिओम मिल गया, इतने सारे हार्ट लगा के शुड भेज रहे हो, शुड पढ़ लो। वर्क हार्ड, मेहनत कर लो अन्यथा फेल हो जाओगे, वेरी गुड। एक दो तीन चार पांच छः और फटाफट भेज दीजिए आंसर। चलिए तो आप लोग आंसर नहीं आए बहुत सारे लोगों के, पर मैं बता देता हूं इजी क्वेश्चन है। लेस्ट शब्द के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है, फिक्स रूल है ये, बदलने वाला नहीं है। अनुज गलत मत भेजिए, मतलब अनुज का आंसर गलत है, वुड नहीं होगा अनुज। वर्क हार्ड लेस्ट, ये जो शब्द है ना लेस्ट, अन्यथा नहीं तो, कहीं ऐसा ना हो तो, अन्यथा नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए लेस्ट शब्द का यूज होता है और लेस्ट शब्द के साथ हमेशा शुड का यूज होता है, ये बिल्कुल फिक्स रूल है। तो दैट इज अ रीजन आंसर होगा शुड। जब भी लेस्ट देखो आंसर शुड लगा दो, जब भी लेस्ट देखो आंसर शुड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, लीस्ट वर्सेस लेस्ट, अनुज ने पूछा है, तो चलो मैं एक बार लीस्ट और लेस्ट फटाफट क्लियर कर देता हूं, फिर हम 5th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाएंगे हमारे मॉडल के। देखो एक होता है लीस्ट LEAST, एक होता है लेस्ट LEST। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, जैसे मैंने कहा एटलीस्ट दो क्वेश्चन, एटलीस्ट कम से कम दो क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, एटलीस्ट वो इधर आया तो, एटलीस्ट उसने बताया तो, एटलीस्ट वो पढ़ तो रहा है, मतलब कम से कम वो पढ़ तो रहा है, तो हम एटलीस्ट जो है वो लास्ट से लीस्ट बनाते हैं, और लीस्ट मतलब होता है कम से कम, लीस्ट पॉसिबिलिटी यही है, जबकि लेस्ट शब्द का मतलब होता है अन्यथा नहीं तो, कहीं ऐसा ना हो, हिंदी मतलब क्या है अन्यथा नहीं तो, कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल,
है ना। तो लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो, और लीस्ट मतलब होता है कम से कम। तो इसको याद रखें, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, लीस्ट और लेस्ट अलग अलग शब्द हैं। यस वैशाली, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई नहीं, 5th क्वेश्चन से पार्टिसिपेट करिए, आपके 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे नंबर लाना है अपन को आज सभी को, कोशिश ये करना है, टारगेट ये करना है कि 15 में से एटलीस्ट 14 नंबर तो सबके आने ही चाहिए। यहाँ लिखा है वैशाली, ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यहाँ देखो आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आई डैश पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली। आई डैश पनिश यू शैल विल मस्ट वुड। बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं शैल, कुछ लोग कह रहे हैं विल, शैल या विल, शैल या विल। चलिए देखते हैं आंसर। अब वो कह रहा है अगर तुम प्रॉपरली बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अगर तुम गुस्से में बोल रहा है, अगर तुम प्रॉपरली बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, मतलब वो व्यक्ति ऐसा करेगा, ऐसा बोला है। ये पावर सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये नॉर्मल वाक्य नहीं है, बल्कि इसमें पावर दिया जा रहा है। तो जब फर्स्ट पर्सन किसी वाक्य में पावर देकर बात करता है तो उसके साथ लगता है विल। तो यहां हो जाएगा आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा अगर तुम बिहेव प्रॉपरली नहीं करोगे तो। तो जितने भी लोगों ने विल लगाया उनको 1 नंबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। तो अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल 1 नंबर आपके पास। बताइए,
चलो देखते हैं। देखो उसने कहा उसको इनाम मिलेगा अगर वो क्लास में फर्स्ट आएगा, तो प्रॉमिस है उसको हम इनाम देंगे यदि वो क्लास में फर्स्ट आएगा, तो ये प्रॉमिस है। अच्छा किसको इनाम मिलेगा? थर्ड पर्सन को। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जब फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है आई और वी, किसी बात को नॉर्मल तरीके से बोलता है, जब फर्स्ट पर्सन किसी बात को नॉर्मल तरीके से बोलता है तो वो लगाता है शैल, और फर्स्ट पर्सन जब किसी बात को ताकत से बोलता है, मतलब पावर सेंटेंस, पावर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन आएगा, थ्रेट, प्रॉमिस, कमिटमेंट, एंगर, इस टाइप के वर्ड आएंगे। तो जब फर्स्ट पर्सन किसी सेंटेंस को पावर से बोलता है तो वो लगाता है विल। अब इसी नियम में सेकंड थर्ड पर्सन चेंज करके, जब सेकंड या थर्ड पर्सन हो, मतलब यू, दे, ही, शी, इट और नेम, जब ये लिखे हो और ये लोग सेकंड या थर्ड पर्सन नॉर्मल किसी बात को बोलते हैं तो ये लगाते हैं विल, और जब यही लोग किसी बात को पावर से बोलते हैं तो इस वाले, मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन वाले जो पर्सन है, इनके साथ पावर सेंटेंस बनता है शैल। तो अब यहाँ पे उसके साथ प्रॉमिस की गई है, उसको प्रॉमिस किया गया, उसे प्रॉमिस किया गया, उसे अवार्ड दिया जाएगा यदि वो फर्स्ट आता है, तो सेकंड थर्ड पर्सन का पावर सेंटेंस जो होता है, सेकंड थर्ड पर्सन का पावर सेंटेंस जो होता है वो शैल से काम चलता है। तो यहाँ पे आएगा ही शैल बी रिवॉर्डेड, क्या होगा इस चीज को जिसको नहीं पता वो अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा आपको, शैल कब लगाना है, विल कब लगाना है, इस चार्ट को ध्यान रखें। तो उसे इनाम दिया जाएगा यदि वो फर्स्ट आता है, तो ही शैल बी, क्या आंसर होगा? ही शैल बी, ना कि ही विल बी, तो विल इसका आंसर नहीं होगा बल्कि इसका आंसर होगा शैल। तो जितने भी लोगों ने शैल लगाया है या बी लगाया है उनको एक नंबर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। तो जितने भी लोगों ने बेटा बी लगाया उनको एक नंबर बिल्कुल ले लीजिए वो बिना किसी गलती के, फटाफट। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th नंबर के क्वेश्चन पे। इस चार्ट को नोट कर लीजिए, जिनको ना पता हो वो जरूर नोट करिए, काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, He does not help me, he is timid. बताइए, मीनिंग को समझ के आंसर निकालेंगे, फटाफट आंसर मिलेगा। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9
दस, ग्यारह, चलो आंसर में बता देता हूं, आंसर में बता देता हूं। उसने कहा वो मेरी मदद ही नहीं कर सकता, वो डरपोक इंसान है। अब यहां डर और निडर के बीच की बात है, डर और निडर के बीच की बात है, तो इसका आंसर होगा डेयर। उसमें साहस नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो यहां पे क्या होगा डेयर। नीड और नीड की आवश्यकता वाली बात नहीं हो रही, मस्ट की बात नहीं हो रही, उसमें हिम्मत नहीं है वो मेरी मदद कर सके, बहुत डरपोक इंसान है। तो डरपोक की तुलना हो गई है, तो यहाँ पे साहस वाली बात आएगी। दैट रीजन कि ये मॉडल वर्ब है, तो डेयर नॉट, नॉट पहले से मिल गया हमें, डेयर बस लिखना था, ही डेयर नॉट। तो डेयर नॉट क्या दिखाएगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है सी। तो यदि आपने सी लिखा है तो आपको मिलते हैं एक और नंबर। टिमिड मतलब होता है डरपोक, टिमिड शब्द का मतलब होता है डरपोक, इस शब्द का मतलब होता है डरपोक, वो मेरी मदद नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है, बहुत डरपोक इंसान है, दब्बू जिसको बोलते हैं, दब्बू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए हेलो नरेंद्र, हाउ आर यू, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लोगों के आंसर मुझे प्राप्त हो गए हैं। इच्छा वाली बात है, उसने कहा मैं उस किताब को देखना पसंद करूंगा, तो बिल्कुल इच्छात्मक वाक्य है, इच्छा पता चल रही है किसी की, तो आई वुड लाइक टू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, और सभी ने वुड लगाया है, सभी को एक नंबर मिलता है, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन था, आपको फटाफट समझ में आ गया। आज क्या कहते हैं, 15 में से 15 वाले मुझे कितने लोग मिल जाएंगे, 10 लोग मिल जाएंगे आज का टारगेट। हालांकि स्टूडेंट की संख्या कम दिख रही है मुझे, 12 हो गई है, अभी बीच में 17 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब 11 हो गई है। बच्चे आते हैं, थोड़ा गार्डन में घूमते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो आपको ये करना है कि रोज पढ़ाई करनी कंसिस्टेंटली। चलिए चलिए, तो मुझे चाहिए कम से कम, अगर स्टूडेंट की संख्या कम भी है तो कम से कम 6 स्टूडेंट, कल का रिकॉर्ड बरकरार रहना चाहिए, कल 6 लोग मिल गए थे, ठीक है। वैशाली आज नंबर कम नहीं होने चाहिए, आज कोशिश करें कि सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके नंबर ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। चलिए
बिल्कुल क्या बात है, आज कैन नहीं लिखेगा कोई, सब कुड लिखने वाले। बिल्कुल क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हुई है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में ही ये हमारा जो वाक्य है वो पास्ट टेंस का है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो कुड होगा। हाँ, अगर यहाँ पे वॉज की जगह इज लिखा होता तो ये आंसर यहाँ पे कैन होता, लेकिन यहाँ वॉज लिखा है तो कैन का पास्ट कुड होता है, इसलिए इसका आंसर कुड होगा। तो आंसर यही है, द बॉक्स वॉज हैवी, बॉक्स इतना भारी कि मैं उसे उठा नहीं सका, बॉक्स इतना भारी था कि मैं उठा नहीं सका, तो यस, तो इसका आंसर हो जाएगा कुड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत आसान। चलिए, अब वर्क यहाँ पे सिंगुलर टर्म है, सिंगुलर टर्म की वजह से इसका आंसर जो होगा वो नीड्स होगा, नीड नहीं होगा। द वर्क नीड्स टाइम, कार्य को समय की आवश्यकता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी। तो अगर आपने लगाया बी तो बिल्कुल सही है, कैन तो आएगा ही नहीं, महेंद्र ने कैन लगा दिया है। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।
यू डैश नो वॉट योर राइट्स आर. कुछ लोग लिख रहे हैं शुड, कुछ लोग लिख रहे हैं मस्ट. देखते हैं क्या होता है. देखते हैं. शुड आएगा या मस्ट आएगा ये तो कन्फर्म है. इनमें से एक चीज आएगी. अब ये कह रहा है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अधिकार क्या है. अगर तुम्हें यही नहीं पता तुम आगे कैसे काम करोगे ना. तो क्या है, हर इंसान को उसके अधिकार तो पता होने चाहिए. जो भी वो काम कर रहा है जिस भी क्षेत्र में, तो उसको उसके अधिकार पता होने चाहिए कि भाई ये अधिकार है. जैसे माने थे वोटिंग देना हमारा अधिकार है. अब आप वोटिंग देने नहीं जा रहे हो अलग बात है, लेकिन आपको पता तो है वोटिंग देना मेरा अधिकार है. मुझे, मैं इतने साल का हूं, मुझे लाइसेंस बनवाना है. तो ये आपको पता ही होना चाहिए. यहाँ एडवाइस वाली बात नहीं है, यहाँ पता ही होना चाहिए. व्हाट योर राइट्स आर, यू शुड नो व्हाट योर राइट्स आर. तुम्हें पता होना चाहिए. ये यहाँ पे जोर दिया जा रहा है वाक्य. तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या अधिकार है तुम्हारे. तो यहाँ पे वाक्य में जोर है. और जब किसी सेंटेंस में जोर होता है तो इसका जो आंसर होता है वो मस्ट होता है. तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर मस्ट लगाया उनको एक नंबर मिलेंगे. यू मस्ट नो मतलब ये आपको जानना ही चाहिए ना. क्यों नहीं जानोगे आप. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी. अगर आपने लगाया है बी तो आपको आंसर मिलेगा मस्ट. ठीक है, कुछ लोगों ने शुड लगा दिया, कुछ लोगों ने मस्ट. शुड में क्या है, उतना पावर नहीं है. उसमें सेंटेंस में पावर था, उसमें बोला था यू व्हाट योर राइट्स आर. ये बाद में बोला है उसने, ये उसने बाद में बोला है. योर शुड नो योर व्हाट योर राइट्स आर. जोर दिया गया वाक्य में. अब वाक्य में जोर दिया गया इसलिए यहां पे मस्ट आ गया.
टिल टुमारो, पैट के बाद लिखा है टिल, कल तक, कल तक। यस, दुनिया का सबसे पोलाइट वर्ड। चलिए तो फाइनल आंसर, क्या आप उसका जो पैट है वो कल तक रख सकते हैं? अब आपको ऑब्वियस ही बात है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको अपना पैट रखवाना, तो आप रफली तरीके से, रूड तरीके से तो बोल नहीं सकते, पूछना तो रिक्वेस्ट के साथ ही पड़ेगा, शुड भी नैतिकता की बात है नहीं, और आपको पोलाइटली पूछना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुड यू। तो अगर आपने कुड लगाया है तो बिल्कुल एक नंबर आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, और अगर आपने सी लगाया है तो आपको एक मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The dash to go swimming every morning. फाइनल आंसर, फटाफट, इतनी देर का क्वेश्चन ही नहीं है ये। नहीं, ऑप्शन मैंने सोच समझ के लिखा है, क्वेश्चन और ऑप्शन आपको दिमाग में रख के ही आंसर निकालना है। मैंने दो ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मैं बाद में बताता हूँ, आपने जो पूछा है वो मैं बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन गलत नहीं है,
चलिए मैं बता देता हूं, देखो इसका मान लेते हैं आपने लगाया O2, तो ये एडवाइस की तरह है, लेकिन वो रोज सुबह जाया करता होगा मान लेते हैं। अब यहाँ पे तो 2 पहले से लिखा है, तो आपके पास यूज्ड ही आंसर बचेगा ना, तो यूज्ड 2 मतलब वो रोज सुबह स्विमिंग जाया करता था, और यहाँ तो यूज्ड 2 पूरा का पूरा लिखा है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और वुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वुड के बाद मॉडल के साथ 2 का यूज होता नहीं है, तो वुड अपने आप गलत हो गया, एडवाइस का सेंटेंस है नहीं। ये पहले मतलब रोज सुबह स्विमिंग पर जाया करता था, ये उसका मतलब है, तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा, यूज्ड, सी नहीं होगा, यूज्ड 2 नहीं होगा, वो क्वेश्चन में 2 बार दिया ही गया है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। तो अगर आप बी लगाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और वुड लगाने पे नंबर कट जाएंगे क्योंकि वुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ कभी भी 2 का यूज हम करते ही नहीं है, ये हमने मॉडल के जनरल रूल में सीखा है, मॉडल के साथ 2 का यूज नहीं होता है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया सेंटेंस। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अपने आप को संभाल के बिल्कुल चलिएगा, नंबर मत कटने दीजिएगा। हाँ बताइए, फाइनल आंसर He dash not come here. We will meet him in coffee shop. He dash not come here. We will meet him in coffee shop. He dash not come here. We will meet him in coffee shop. ऑप्शन में लिखा है dare, can, need or would. उसे यहाँ, वो यहाँ आ नहीं सकता है, हम उससे कॉफी शॉप में मिल लेंगे। वैशाली मैंने पढ़ दिया बेटा, 3-4 बार पढ़ दिया है क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आया मेरी ख्याल से,
ही डैश नॉट कम हेयर, वी विल मीट हिम इन कॉफी शॉप। अब मैं हिंदी समझा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो क्या उसको यहां आने की क्षमता नहीं है, वो इधर नहीं आ सकता है, या मैंने कहा उसे यहां आने की जरूरत नहीं है, अपन कॉफी शॉप में मिल लेंगे, यहां मत बुलाओ कॉफी शॉप में मिल लेंगे, यहां आने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में एक नॉट मिल रहा है हमें समझाते हुए, और हमारे पास एक मॉडल वर्ब भी है जो नीड नॉट बनाता है। कैन नॉट में क्षमता की बात आ रही है, उसके यहाँ आने की क्षमता नहीं है, मतलब कैपेबिलिटी नहीं है। अब ये तो पता नहीं, क्योंकि उस अगर वो इतना लिख सकता ही कैन, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैन बनाना होता तो फिर मैं दूसरे तरीके से चलता, लेकिन मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा, नीड होगा, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम कॉफी शॉप में मिलेंगे। अब सपोज ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, देखो फिलहाल तो आंसर इसका मैं बता रहा हूँ नीड ही है और आंसर नीड लगाना है। अब देखो सपोज लिखा होता ही डैश नॉट कम हेयर, ही डैश नॉट कम हेयर, ही हैज नो बाइक, ऐसा लिखा है, वो यहां नहीं आ सकता, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो यहां पे नहीं आ सकता, उसके पास गाड़ी नहीं है, मैंने ऐसा बोल दिया तो इसका आंसर कैन हो जाएगा। लेकिन ये तो क्वेश्चन हमारा था नहीं, अपन ने कहा कि यार उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं, अपन ही वहां पे या उससे कॉफी शॉप में मिल लेते हैं, तो वो बोल रहा है अपन कॉफी शॉप में मिल लेते हैं, उसको यहाँ बुलाने या आने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस जरूरत पे था ना कि क्षमता पे, क्षमता कैसे होगी नहीं आने की यहाँ पे, ऐसा कोई सेंटेंस होता तो हम सोचते, मतलब बनाने वाला इस तरीके से बना सकता था अगर उसको कैन या क्षमता की बात करनी है, तो यहाँ पे क्योंकि कैन या क्षमता नहीं है इसलिए इसका आंसर नीड होगा। That is the reason question number 14 का जो आंसर है वो है सी, और अगर आपने सी लगाया तो आपको एक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ही के साथ नीड्स आता है लेकिन नॉट एक मॉडल है, नीड नॉट एक मॉडल है, तो इसमें नीड्स कभी भी नहीं आएगा। नीड्स अकेला तभी आ सकता है जब नॉट ना लिखा हो, लेकिन यदि नॉट लिखा होगा तो नीड ही आएगा। ही नीड नॉट, She need not, ठीक है। अगर हम उसमें से need में से needs कर देंगे तो फिर वो मॉडल वर्ब कहलाएगा ही नहीं, not के साथ ही मॉडल वर्ब कहलाता है dare not और need not का, ठीक है। तो चलिए आंसर 15th पे चलते हैं, और टारगेट यही है कि कितने लोग मुझे हाईएस्ट मिल जाते हैं। काफी सारे लोग लग तो रहे कि 15 या 14 नंबर लेकर आए होंगे। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल आंसर, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए।
हाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है क्वेश्चन के अंत में। चलिए फाइनल आंसर, सेंटेंस की शुरुआत में ही हमें परेड वर्ड मिल गया जो कि पास्ट टेंस का है। सेंटेंस की शुरुआत ही पास्ट टेंस से हुई है और गॉड गिव हिम सक्सेस, भगवान उसको सफलता दे, ये प्रेयर उसने कर दी है। अब क्योंकि उसने प्रेयर कर दी है तो ये एक ऑपरेटिव वाक्य की तरह ट्रीट होने लगा, मतलब प्रेयर करना, विश करना, मनोकामनाएं करना। ऐसे सेंटेंस के लिए हम मे को रखते हैं, लेकिन सेंटेंस में पास्ट टेंस है और मे का पास्ट जो होता है वो माइट होता है, और सेंटेंस पास्ट टेंस की वजह से आंसर माइट होगा। विल और मे कभी आ नहीं सकता था क्योंकि सेंटेंस ही पास्ट टेंस से शुरुआत है, तो विल हट गया और मे भी हट गया। अब बचा माइट और वुड, तो हम जानते हैं क्योंकि ये सेंटेंस एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होने के साथ, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा माइट। तो जितने भी लोगों ने माइट लगाया उन सबको मिलेंगे एक और मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, और माइट नहीं लगाया तो आपके नंबर कट गए। तो 15 में से 15 लाने की कुछ लोगों की इच्छाएं टूट गई, कुछ की 15 में से 15। तो अब बताइए आउट ऑफ 15 हाईएस्ट स्कोर क्या आया है आप लोगों का। आई एम ईगरली वेटिंग हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट 14 मार्क्स, 14 आउट ऑफ 15। Let's see who is the topper. Okay, well, congratulations. Pankaj has got 14. That's fantastic. Ayushi has done well. Nitesh, Ayushi. Ayushi, I think this is the very first time Ayushi has got 15 out of 15. I suppose Ayushi is the topper of the class for the very first time. And Nitesh has always been in the part of that legacy of being coming in first, a topper of the class. Let's see how many. Now 15, Ayushi got 15, Nitesh. So our winners are Ayushi. That's very good. Ayushi, you have done tremendous work. Nitesh, as usual, marks his presence in the list. And 14, Pankaj has received 14 marks. Well done, Pankaj. Again, you have done a good job. Sandeep ji. And what about Rinki? Rinki got 12. Where is Vaishali? Muskan, 12. Why, Muskan? Your marks are less. It should be at least 2 more marks. At least you should have brought 14. At least, Muskan. Okay. So every student of my class, those who have received at least 12 marks, 13 marks, they have all done well. Sandeep ji, I think you should have brought at least 1 to 2 marks more. Okay, so but yes, Nitesh and Ayushi, you both have done well. Bahut achhe number lekar aaye hain aap log. ग्रेट जॉब, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, जोश बना के रख लिए, हाई जोश के साथ पढ़ाई करेंगे, नंबर 100% आपके अच्छे ही आएंगे, डोंट वरी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं, एंड विल मीट टुमारो अगेन एट 8 PM टुनाइट, 8 PM नाइट tomorrow. Till then, take care and study well, try to bring more marks. And Nitesh, as usual, aapne number acche laaye hain to aap topper hain.
आयुषी अपने आप को नंबर वन बना के रखें। महेंद्र के मार्क्स पता नहीं चल पाए मुझे। वैशाली ने भी अच्छे नंबर है भाई, 12 में से 9 मतलब 3 मार्क्स ही कटे हैं कुल मिला के। अगर 10 में से देखे जाए, सॉरी 15 में से देखे जाए तो वैशाली के भी 12 आ जाते, पर ठीक है वैशाली कोई नहीं, अच्छे मार्क्स हैं। चलिए एनीवेज, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट। हम कल फिर से मिलते हैं एक नए जोश, नए उमंग, नए तरंग, नए उत्साह के साथ। और हाँ, एकेडमी के जो चैनल है इसको जितना ज्यादा आप फैला सकते हो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर संख्या आप बढ़वा सकते हैं, इतना एफर्ट्स आप जरूर मेरे लिए लगाएं, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइबर संख्या जो धीरे धीरे बढ़ती है उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। यही एक जरिया है जिस जो मैं मनोबल बढ़ा रहा हूँ, तो आपको मनोबल मेरा भी हाई रखने की कोशिश करनी है। आपको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर कीजिए, आखिर हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, उन्हीं के ही फायदे से, ठीक है। आप प्लीज इसको शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाइए, जो नए लोग आ रहे हैं जिनको नहीं पता हो आप उन्हें जरूर बताइए। और रोज रात 8 बजे हम हमारी क्लास में पढ़ते ही हैं। तो चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।